आते आते समझो कोई भी काम पे जाता है तो आते आते 8, 8:30, 9 तो बज ही जाता है, इतने ट्रैफिक है। हमको 10 बजे तक का ही परमिशन है। हमारा हिंदू संस्कृति का 1-2 कार्यक्रम ही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो गरबा है, 2 दिन का ही परमिशन देते हैं। तो प्रवीण दरेकर जी को मैंने बोला कि सर 1 दिन बढ़ा के दीजिए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी एवं एकनाथ शिंदे जी को एक लेटर लिखा 19/10/2023 को कि आप यहाँ उत्तर मुंबई में एक एक गरबा हमारे समझो आप बोरीवली कांजोरी में पकड़ेंगे तो 10 से 12 जनरल गरबे हैं, इवन सब सोसाइटी के गरबे हैं, एक एक गरबे में 1-1.5 लाख पब्लिक रहती है, उनको अगर 10 बजे के जगह 12 बजे तक मिले तो सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। तो उन्होंने 19 तारीख को लेटर लिखा और गवर्नमेंट ने उसको मान्य करके कल मतलब 20 तारीख को कलेक्टर जी ने ऑर्डर निकाला है कि 12 बजे तक की परमिशन सैटरडे की भी हो। अभी एकंदरीत ऐसा हो गया कि शनिवार रविवार और सोमवार ये 3 दिन तक 12 बजे तक की हमको परमिशन मिली है। इसके लिए हम प्रवीण दरेकर जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का और एकनाथ शिंदे जी का खूब खूब आभार मान प्रकट करते हैं। थैंक यू। सुरक्षा के लिए तो हमारे यहाँ हमें पर्टिकुलर हमारे गरबे की बात करो तो हमारे गरबे में आज 250 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी लोग तैनात हैं। अभी हमने शुक्रवार मतलब आज का दिन है, आज तो 10 बजे तक है, शनिवार रविवार और सोमवार जो 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गए अभी क्योंकि 12 बजे तक होगा तो वहाँ के लिए हमने और 50 जन का डिप्लॉय किया है। मतलब अभी जो है उससे और 50 सिक्योरिटी गार्ड बढ़ रहे हैं। पुलिस का तो डेफिनेटली खूब अच्छी तरह का बोरीवली पुलिस सीनियर वगैरह सबका अच्छा सपोर्ट है, उन्होंने भी एडिशनल 25 से 30 पुलिस कर्मियों को एडिशनल तैनात किया हुआ है, उनको भी हमने आज भेजा तो उन्होंने ऑलरेडी उनकी ड्यूटी में डाला हुआ है कि सैटरडे को 12 बजे तक हो गया। रात भर पहले गरबा खेला जाता था, वो टाइम पे आपको भी याद रहेगा कि रात भर जब गरबा खेला जाता था तब सोसाइटियों में गरबा होता था, कोई कमर्शियल इतने 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 के पास में नहीं होता था। अभी जो कमर्शियलाइजेशन हो गया उसके हिसाब से हमारी बहन बेटियां बाहर जाती है, रात भर गरबा खेलने जाती है, तो हर एक पेरेंट को एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी और गवर्नमेंट में इस चीज़ में हम सहमत है गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट हमारा जो मांग था 3 दिन का वो हो गया, हम सेटिस्फाई हैं। नहीं नहीं ये पूरे सबके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये जनरलाइज परमिशन है। हमने सिर्फ प्रयास किया है, हमने हमारे लिए परमिशन नहीं लिए, ये प्रयास किया है और इसके लिए अब जितने भी गरबे हैं वो सबको 12 बजे तक परमिशन आने वाले समय में आपको लगता है इससे जो भीड़ है वो और उमड़ भी जाता है? डेफिनेटली अभी तो हर गरबे में भीड़ है, हर गरबे में भीड़ है। तो 12 बजे का दिन है, अभी शनिवार का है मतलब रविवार की छुट्टियां हैं, सोमवार का है तो दूसरे दिन का दशहरे की छुट्टी है, तो डेफिनेटली भीड़ तो होनी है। वो कमर्शियल आदमी को मालूम, हम तो कमर्शियल आदमी ही नहीं है। माता जी की कृपा रही और सरकार का साथ रहा तो हम ये अगले साल भी यही चीज सरकार को बोलेंगे कि 3 दिन की जगह 4 दिन दो। हाँ मेट्रो का कितना कौन उपयोग करता है मुझे नहीं पता है, बट मेट्रो का भी गोपाल शेट्टी जी ने कुछ लेटर्स लिखा था, शायद 1:30 बजे तक का है, मुझे एकदम डिटेल में जानकारी नहीं है, पर आज मैंने वर्तमान पत्र में पढ़ा है कि 1:30 बजे तक का कुछ है, तो वो भी अच्छी बात है। ऐसा पर्टिकुलरली मुंबई का बताऊं तो मुंबई पुलिस बहुत सजग है,
कि छोटे मोटे बनाव होते रहेंगे तो हमारे तक आते नहीं, क्योंकि हम कोई मुंबई पुलिस के कोई कर्मी नहीं है, पर ओवरऑल उनकी सुरक्षा में कहीं भी प्रॉब्लम अभी तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि और आप लोग तो ज़्यादा जानकार हो, आपको तो सब खबरें मिलती है, तो ऐसा कोई आपके संपर्क में कुछ आया हो तो हम उसके लिए भी कमिश्नर साहब से एक विनती कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ, और आप इस शुभ त्यौहार पे, शुभ अवसर पे आप सभी हमारे साथ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पिनाकिन शाह जी और जिग्नेश गुप्ता जी भी साथ में हैं हमारे, और हमारे जो मुख्य आयोजक हैं प्रवीण दरेकर जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जितने भी गरबा लवर्स हैं, जिनको सच में अपने पूरे दिन भर के कार्य के बाद, दिन भर के काम के बाद वो आना चाहते हैं, गरबा खेलना चाहते हैं, और जो 12 बजे तक की परमिशन हमें मिली है उसके लिए मैं आपको और एक बार दिखाना चाहूँगी। ये जो परमिशन ली है प्रवीण दरेकर जी ने, माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये लेटर लिखा गया है। और दूसरा जो है, हाँ जी, और ये वाला जो लेटर है वो मैं बहुत माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनको भी ये जो लेटर लिखा गया है और उसके बाद जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी जो परमिशन दी है, ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ। ये हम सब के लिए इस सीज़न को लेकर बहुत बड़ी जीत हासिल की है पूरी नवरात्रि के लिए, और जितने भी गरबा लवर्स हैं उनका ध्यान रखा गया है कि इतने बड़े आयोजन के साथ और इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ जो हमने सभी को वेलकम किया है, जितने भी गरबा लवर्स हैं जो गरबा सुनने आते हैं, गरबों पे परफॉर्म करने आते हैं, डांस करने आते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 12 बजे तक का एक्सटेंशन मिला है। एंड स्पेशली जैसे आपने पिनाकिन जी ने जो बात करी है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करके वापस घर पे आते हैं एंड देन फिर वो एक गरबा के अटायर चेंज करके फिर जब गरबा ग्राउंड पे आते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार ये तीनों दिन हमें 12 बजे तक की जो परमिशन मिल रही है, एक्सटेंशन मिल रहा है, वो हम सभी आर्टिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें उनके साथ जितने भी गरबा लवर्स हैं, डांसर्स हैं, जो भी लोग गरबा खेलने आते हैं उनके साथ और भी हमारा इंटरेक्शन बढ़ने वाला है। और आई थिंक सबसे बड़ी जीत है हम सब लोगों के लिए और आप सभी का साथ है, सो थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मुझे, सो उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और एक यूनिटी बरकरार रखी हुई है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू ऑल सो मच। जी मैं बस दोनों हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ सभी को, और गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं और जो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, शत शत वंदन करना चाहती हूँ कि आपने हमारी सभी की और जितने भी गरबा प्रेमी हैं उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखा और इतना आदर और सम्मान हम सभी लोगों को दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस जिस तरह से हमने बाकी 5 दिन जिस तरह से हमने परफॉर्म किया कि हमारा बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है, सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, टैलेंटेड सिंगर्स हैं, और सभी अपने अपने फेवरेट गरबा और जितने भी गरबा खेलने के लिए जितने भी प्रेक्षकगण और जितने भी परफॉर्मर्स आते हैं हमारे सामने, उनके फेवरेट गरबों को भी हम ध्यान में रखते हैं। और यहाँ पर जितने भी गाने हैं, अम्बे माँ के गरबे हैं, उन सभी को हम बहुत दिल से परफॉर्म करते हैं। और मैं 2 लाइन्स आपके सामने गुनगुनाऊंगी। केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोर, केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोर, झीणी झीणी जाड़ियो मेलावी उल्या गरबा, झीणी झीणी जाड़ियो मेलावी रे लोर, केसरियो रंग तने लाग्यो उल्या गरबा,
केसरियो रंग तने लाग्यो रे लो। डिवोशनल ऑफकोर्स गरबा जो है वो अंबे माँ के गरबे ही डिवोशनल कहलाएंगे, और जैसे राधा कृष्ण के कुछ गाने हैं गरबे हैं उस पर भी लोग बहुत दिल से झूमते हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे जो गरबा ग्राउंड है वेन्यू पे बहुत से ब्यूटीफुल डांसर्स जिनको मैं जब परफॉर्म कर रही होती हूँ और दूर दूर तक मुझे वो लोग दिखाई देते हैं। एक मुझे याद भी है वीडियो में मैंने देखा था कि एक गरबा प्लेयर, उन्होंने राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप, वो दोनों का गेटअप लेकर इतने हैवी कॉस्ट्यूम के साथ, आउटफिट के साथ उन्होंने गरबा का आनंद लिया, और वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत हम करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग टीम करते हैं, उतनी ही मेहनत के साथ जितने प्लेयर्स हैं, जितने डांसर्स हैं, वो भी सब लोग बहुत दिल से अलग अलग गेटअप के साथ आते हैं, तो उनके लिए भी हम ये सारे गरबे परफॉर्म करते हैं। एंड ऑफकोर्स कुछ बॉलीवुड के भी कुछ गाने हैं गरबे हैं जो मैंने, जैसे उड़ी उड़ी जाए, बहुत ही प्योर और ब्यूटीफुल गाना है और वो स्पेसिफिकली गरबे के लिए ही बनाया गया है। और कुछ हिंदी गाने हैं जो हम सालों से गाते आ रहे हैं, वो भी कुछ गाने हैं, तो इट्स अ मिक्स ब्यूटीफुल मिश्रण के साथ हम परफॉर्म करते हैं, हम पेश करते हैं, तो आई रियली होप कि सभी को बहुत पसंद आ रहा है। जी जी बिल्कुल। मुझे, मैं फाल्गुनी मैम को तो ऑफकोर्स मैं बहुत उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, जैसे हमने पहली बारी भी बात करी थी, तो उनके उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो फ़ैन क्लब है, मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मेरा भी एक फ़ैन क्लब बनते आ रहा है इतने कुछ सालों से, तो मेरे कुछ गानों की सिलेक्शन है, प्लस जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके सबके गाइडेंस से भी, जिग्नेश भाई के गाइडेंस से और पिनाकिन भाई के गाइडेंस से भी काफ़ी हमें समझ में चीज़ें आ रही है कि मुंबई में लोग क्या क्या पसंद करते हैं, किन गानों पे वो ज़्यादा उनके पैर थिरकते हैं, तो हम उन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वी परफॉर्म। एक ही चीज़ आपके माध्यम से जो भी कमर्शियल गरबा कर रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कि हर ग्राउंड या हर हॉल, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, कितने भी कमर्शियल ना हो जाए कि इतनी कैपेसिटी के बाहर पास बेचे, और गरबा प्रेमी गरबा खेलने आते हैं, गरबा सुनने नहीं आते, बस इतना उनको कमर्शियलाइजेशन इतना भी नहीं करना चाहिए कि अंदर जाने के बाद आदमी खेल ना पावे, कम से कम माता जी की दया से भूमि के गरबे में इतना तो हमने रखा है कि आदमी खेल सकता है, बस इतनी सबसे गुजारिश है। थैंक यू। आपका ही कहना बच्चा है कि जो ब्लैक नहीं होगा, जो